साइड ए। ओम शांति। ये है 2591 का ट्रैफिक लाइट। ओम शांति। दिस इज द मॉर्निंग क्लास ऑफ द 25-12-91। द रिकॉर्ड प्लेड इज ओम नमः शिवाय। मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों ने महिमा का गीत सुना। द स्वीट लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड चिल्ड्रन हर्ड द सॉन्ग ऑफ प्रेज। किसकी महिमा है? हु इज प्रेज्ड? ऊंचे से ऊंचे भगवान की, जिसको पति का पावन सुख हरता सुख करता कहा जाता है। द हाइएस्ट ऑन हाई गॉड हु इज कॉल्ड द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर वंस, द वन हु टेक्स अवे सोरो एंड द गिवर ऑफ हैप्पीनेस। सुख देने वाले को याद किया जाता है। द वन हु गिव्स हैप्पीनेस इज रिमेम्बर्ड। दुख देने वाले को कोई याद करना नहीं होता। द गिवर ऑफ सोरो इज नॉट रिमेम्बर्ड। बच्चे जानते हैं सुख देने वाला एक ही परम पिता परमात्मा। द चिल्ड्रन नो द गिवर ऑफ हैप्पीनेस इज द वन सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल अलोन। सभी मनुष्य मात्र उनको ही याद करते। ऑल द ह्यूमन बीइंग्स रिमेम्बर हिम अलोन। और धर्म वाले भी कहते हैं कि बाप आकर के दुख से लिबरेट कर सुख देते। द पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स ऑल्सो से दैट द फादर कम्स लिबरेट्स द ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम सोरो एंड गिव्स देम हैप्पीनेस। परंतु ये नहीं जानते कि बाप सुख देते हैं फिर दुख कौन देता है और कब देता है। Nevertheless, they do not know. They know the father gives happiness. Then who gives sorrow and when does he give it? कौन नहीं जानते? Who don't know it? और धर्म वाले ये नहीं जानते कि दुख कौन देता है और कब देता है। Those belonging to the other religions do not know who gives sorrow and when he gives it. ये भी तुम समझते हो नई दुनिया तो पुरानी जरूर होनी है। You also understand that the new world certainly has to become old. तो उनको दुखदाम कहा जाता है। Then it is called the abode of sorrow. कलयुग के अंत के बाद से सचिव जरूर आएगा। After the Iron Age ends, the Golden Age will certainly come. सच्ची तो एक ही है। There is only one world for sure. मनुष्य इस सच्ची के चक्र को बिल्कुल जानते नहीं। The human beings don't know this world cycle at all. इसलिए बाबा पूछते हैं। That is why Baba asks, तुमको इतना मूर्ख बनाने वाला कौन है? Who is the one who makes you so stupid? बाप तो किसको दुख नहीं देते हैं। The father certainly does not give sorrow to anyone. बाप तो सदा सुख देते। In fact, the father always gives happiness. तुम जानते हो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है। You know that the birthplace of the giver of happiness is also Bharat. किसका? Whose? जन्म का स्थान। The place of birth. किसका जन्म स्थान भारत में? Whose birthplace is Bharat? सुख देने वाले का जन्म स्थान भारत में है। द बर्थ प्लेस ऑफ द गिवर ऑफ हैप्पीनेस इज भारत। भारत में कहाँ है? वेर इन भारत? जन्म किसे कहा जाता है? वॉट इज कॉल्ड द बर्थ? सुख देने वाले का। ऑफ द गिवर ऑफ हैप्पीनेस? सुख देने वाला तो परम पिता परमात्मा ही है। द गिवर ऑफ हैप्पीनेस इज सर्टनली द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल अलोन। वो तो ज्योति बिंदु निराकार है। In fact, he is the point of light incorporeal. फिर जन्म स्थान कैसे होगा? Then how will there be a birthplace? साकार में प्रवेश करता है। He enters in the साकार, the corporeal one. तो प्रवेश तो बहुत पहले से किया हुआ है। So he has entered a long time before. तो जन्म स्थान क्या कहें? So which one should we call the birthplace? सिंध हैदराबाद। सिंध हैदराबाद या कलकत्ता? और कलकत्ता। जन्म का मतलब क्या है उसका? वॉट डज हिज बर्थ मीन? उसका तो दिव्य जन्म गाया हुआ है। इन फैक्ट हिज डिवाइन बर्थ इज प्रेज्ड। अलौकिक जन्म गाया हुआ है। हिज सटल बर्थ इज प्रेज्ड। जन्म अर्थात प्रत्यक्षता। बर्थ मीन्स रेवलेशन। हद में जैसे बच्चे का जन्म होता है। फॉर एग्जाम्पल वेन द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड टेक्स प्लेस इन द लिमिटेड। तो बच्चा बाहर आता है तो प्रत्यक्ष हुआ। द चाइल्ड इज रिवील्ड वेन इट कम्स आउट।
पहले गर्भ में गुप्त था, ही वॉज हिडन इन द वूम प्रीवियसली. ऐसे ही परमात्मा भी पृथ्वी पर आता तो है. सिमिलरली द सुप्रीम सोल ऑल्सो डज कम इन दिस वर्ल्ड, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता. बट ही इज नॉट रिवील्ड एट फर्स्ट, गुप्त रहता है. ही रिमेन्स हिडन. और जब प्रत्यक्ष होता है तो कहा जाता है जन्म. एंड वेन ही इज रिवील्ड इट इज सेट टू बी हिज बर्थ. तो प्रत्यक्षता रूपी तिथि जन्म है. सो इट इज अबाउट द डिवाइन बर्थ इन द फॉर्म ऑफ अ रेवलेशन. पहले प्रत्यक्षता किसको होगी? द रेवलेशन विल टेक प्लेस इन फ्रंट ऑफ होम फर्स्ट. बच्चा घर में पैदा होता है तो पहले पहले किसको पता चलता है? When a child is born in the house, who comes to know first of all? माता पिता को, घर वालों को. The parents, the family members know first. पास पड़ोसियों, गांव वालों को. Then the neighbors, the villagers come to know. फिर बाहर वालों को. Later, the outsiders come to know. तो यहाँ तो फिर बेहद की बात है. Well, then it is in the unlimited here. कोई हद की स्थूल बात नहीं है. इट इज नॉट अ फिजिकल टॉपिक इन द लिमिटेड. तो तुम जानते हो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में. सो यू नो दैट द बर्थ प्लेस ऑफ द गिवर ऑफ हैप्पीनेस इज ऑल्सो भारत. तो दुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में. एंड द बर्थ प्लेस ऑफ द गिवर ऑफ सोरो इज ऑल्सो भारत. दोनों का जन्म भारत में ही होता है. बोथ आर बॉर्न इन भारत इट सेल्फ. दुख देने वाला कौन है? हु इज द वन हु गिव्स सोरो? रावण. और सुख देने वाला कौन है उसकी भेंट में? एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू हिम हु इज द गिवर ऑफ हैप्पीनेस? राम. राम. तो राम जो सुख देने वाला है उसका जन्म भी भारत में है, और दुख देने वाला रावण उसका जन्म भी भारत में है. देयरफॉर राम हु गिव्स हैप्पीनेस एज वेल एज रावण हु गिव्स सोरो आर बॉर्न इन भारत. दोनों ही भारत में है. बोथ आर इन भारत इटसेल्फ. भारत स्थान ही है या कोई व्यक्ति भी है? इज भारत ओनली अ प्लेस और इज भारत ऑल्सो अ पर्सन? स्टूडेंट्स मस्ट हैव सेड समथिंग. व्यक्ति ही है सिर्फ, स्थान नहीं है. इज भारत ओनली अ पर्सन? इजंट इट अ प्लेस? स्थान भी है तो भारत भी, क्योंकि व्यक्ति किसी स्थान पर ही टिकेगा. It is a place as well as the living Bharat, because a person will certainly reside at some place. जो व्यक्त होगा, साकार होगा, उसके लिए कोई स्थान तो जरूर चाहिए. Some place is certainly required for the one who is व्यक्त, meaning visible, for the one who is corporeal. तो स्थान भारत में है. So the place is Bharat. और भारत व्यक्तित्व भी है. एंड भारत इज ऑल्सो अ पर्सनैलिटी. दोनों की तरफ ये बात लागू होती है. दिस नेम इज एप्लीकेबल टू बोथ. राम और रावण दोनों का जन्म भारत में है. बोथ राम एंड रावण आर बॉर्न इन भारत. अगर व्यक्तित्व को लिया जाए, इफ वी कंसिडर द पर्सनैलिटी, तो इससे तो फिर यही साबित होता है. इट प्रूव्स प्रिसाइसली. तो जो राम बनता है सोई है, कलयुग के अंत में क्या बनता है? रावण बनता है. दैट द वन हु बिकम्स राम ही हिमसेल्फ व्हाट डज ही बिकम एट द एंड ऑफ द आयरन एज? ही बिकम्स रावण. जो सत्यु के आदि में कृष्ण होता है वही कलयुग के अंत में क्या बनता है? कंस बनता है. द वन हु इज कृष्ण इन द बिगिनिंग ऑफ द गोल्डन एज व्हाट डज ही हिमसेल्फ बिकम इन द एंड ऑफ द आयरन एज? ही बिकम्स कंस, अ विलनस कैरेक्टर इन द एपिक महाभारत. तो बाबा की बात बिल्कुल सही है. सो व्हाट बाबा सेज इज एब्सोल्युटली राइट. मुरलियों में बोला हुआ है. इट इज सेड इन द मुरलीज. ऐसे नहीं कि ये बात बोली नहीं हुई है. इट इज नॉट दैट दिस टॉपिक हैजंट बीन सेड इन द मुरली. जो राम बनता है कोई रावण बनता है. द वन हु बिकम्स राम ही हिमसेल्फ बिकम्स रावण. और जो आदि में कृष्ण बनता है वो अंत में कंस बनता है. एंड द वन हु बिकम्स कृष्ण इन द बिगिनिंग ही हिमसेल्फ बिकम्स कंस इन द एंड. ये क्या बात हुई? व्हाट इज दिस? ऐसा कैसे हो सकता? हाउ इज दिस पॉसिबल? जब परमात्मा शिव की प्रवेशता है तो कंस या रावण नहीं कहा जा सकता.
When the supreme soul Shiv enters them, they cannot be called Kans or Ravan. और जब प्रवेशता नहीं है वो आत्मा तमो प्रधान बन गई, तो क्या कहेंगे? But when he hasn't entered them and those souls became tamo pradhan, what will be said for them? जो ऊंच ते ऊंच वही नीच ते नीच बनता है। The one who is the highest on high himself becomes the lowest of low. ऊंच ते ऊंच धर्म पिता है इस समय नीच ते नीच तमो प्रधान है। The highest on high religious fathers are the lowest of the low and tamo pradhan at this time. तो बताया हुआ है केवल शंकर को मिला के एक नहीं कर देना। So it has been said, don't combine Shiv and Shankar and make them one. भक्ति मार्ग में शंकर का चित्र ऐसे दिखाया है जैसे रावण। On the path of bhakti, devotion, they have shown the picture of Shankar just like that of Ravan. भयंकर चित्र भी बना देते हैं। They also make scary pictures. अगर ऐसा ही है तो फिर परमात्मा उनको चुनता क्यों है? If it is so, why does the supreme soul choose them? है? हम्म? ऐसों को क्यों चुनता है? जो नीच से नीच बनते हैं। Why does he choose such ones who become the lowest of the low? A student must have said something. हाँ, नीच से नीच को ही परमात्मा ऊंच से ऊंचा कर बनाता है। Yes. The supreme soul comes and makes the lowest ones themselves into the highest ones. लेकिन उनमें ऐसी शिफ्ट कौन सी है? But what is the quality that they have? विशेषता कौन सी है? जो नीच से नीच बनने के बावजूद भी ऊंच से ऊंच बन जाते हैं। What speciality do they have that they become the highest on high despite becoming the lowest of the low? अगर ऐसा ही है तब तो नीच बनना बहुत अच्छा है, अब तो नीचे बनते रहो। If it is so, it is very good to become low. Now continue to become low. नीच पतित तमो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। We should make पुरुषार्थ spiritual effort to become low, impure and tamo pradhan. क्योंकि जितने नीचे गिरेंगे उतने ऊंचे चढ़ेंगे। Because the more we fall, the higher we will rise. तो भारत में ही यह क्या खासियत है जो भगवान भारत में ही आता है? So, what is the speciality in Bharat alone, so that God comes only into Bharat? और किसी देश में नहीं और किसी व्यक्ति में नहीं। And he doesn't come in any other country or in any other person? कोई तो खासियत होगी। There will definitely be some speciality. Students, Bharat is imperishable. अविनाशी, अविनाशी तो सत्य को कहा जाता है। Imperishable. Truth is called imperishable. असत्य क्या होता है? What is a lie? विनाशी होता है और सत्य अविनाशी होता है। It is perishable and truth, it is imperishable. God is truth कहा जाता है। It is said God is truth. तो truth बाप को क्या प्रिय है? सच्चाई। So what is dear to the true father? Truth. सच्चे दिल पर साहब राज। The Lord is pleased with a true heart. कोई कितना भी पतित तमो प्रधान अजामिल जैसा महापापी क्यों न हो। It doesn't matter how impure, tamo pradhan and a great sinner like Ajamil someone is. लेकिन अगर परमात्मा के प्रति सच्चा है। But if he is truthful to the supreme soul. तो वो सच्चा परमात्मा के दिल में जगह आता है। That true one finds a place in the heart of the supreme soul. परमात्मा उसी को चुनता है। The supreme soul chooses only that one. इसलिए मुरली में बोला हुआ है। For this reason, it has been said in the मुरली। अपना पूरा पोता मेल देने वाला कोई कोटों में एक है। There is one among billions who gives his complete pota mail, meaning a letter to Baba containing the account of the secrets and weaknesses of one's body, mind and wealth. करोड़ों पुरुषार्थ करने वालों में कोई एक है जो पूरा पूरा पोता मिल देता है। Among billions of souls who make purusharth, there is just one who gives his complete pota mail.
वरना कुछ न कुछ दे अभिमानी के वशीभूत होकर। अदरवाइज बिकॉज ऑफ कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस टू सम एक्सटेंट, या परमात्मा बाप को न पहचानने के कारण पूरा पूरा पोता मिल नहीं देते, और ड्यू टू नॉट रिकॉग्नाइजिंग द सुप्रीम सोल फादर दे डोंट गिव द कम्प्लीट पोता मेल, कुछ न कुछ छिपाते जरूर परसेंटेज में से। दे सर्टनली हाइड समथिंग इवन इफ इट इज इन परसेंटेज। तो सुख देने वाले का जन्म स्थान भारत में, सो द बर्थ प्लेस ऑफ द गिवर ऑफ हैप्पीनेस इज भारत, और सुख देने वाले का भी जन्म स्थान भारत में, एंड द बर्थ प्लेस ऑफ द गिवर ऑफ सोरो इज ऑल्सो भारत, इसलिए बोला हुआ है। फॉर दिस रीजन इट हैज बीन सेड, राम सीता को खादी की राजा रानी कहेंगे, राम एंड सीता विल बी कॉल्ड द किंग एंड द क्वीन ऑफ खादी। खादी मीन्स अ थिक कॉर्स टाइप ऑफ कॉटन क्लॉथ। तब व्हेन लक्ष्मी नारायण को क्या कहेंगे, व्हाट विल लक्ष्मी एंड नारायण बी कॉल्ड, मखमल की राजा रानी, द किंग एंड द क्वीन ऑफ वेलवेट। और राम सीता, एंड राम एंड सीता खादी की राजा रानी, लेकिन कब, दे विल बी कॉल्ड द किंग एंड द क्वीन ऑफ खादी, बट व्हेन कलयुग अंत में खादी के राजा रानी, दे आर द किंग एंड क्वीन ऑफ खादी इन द एंड ऑफ द आयरन एज। और सतयुग आदि में वही आत्मा, एंड व्हाट अबाउट द सेम सोल्स इन द बिगनिंग ऑफ द गोल्डन एज, सतयुग के महाराजा महारानी मखमल की बन जाते, दे बिकम द महाराजा एंड महारानी ऑफ वेलवेट इन द गोल्डन एज। खादी की विशेषता क्या है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द खादी, खादी संगम युगी बरसात के पीरियड में भारी हो जाती है, द खादी बिकम्स हैवी इन द कॉन्फ्लुएंस एज द रेनी सीजन, शरीर से चिपक जाती है, इट क्लिंग्स टू द बॉडी, देह अभिमान से चिपक जाती है, इट क्लिंग्स टू बॉडी कॉन्शियसनेस, छूटती नहीं और गंदी जल्दी होती है, इट डजंट डिटैच एंड इट गेट्स डर्टी क्विकली। फिर ये भी विशेषता है कि साफ भी जल्दी होती है, बट इट ऑल्सो हैज द स्पेशलिटी दैट इट ऑल्सो बिकम्स क्लीन क्विकली। और सर्दी के सत्युग त्रेता रूपी मौसम में गर्म बहुत रहती है, एंड इन द कोल्ड सीजन इन द फॉर्म ऑफ द गोल्डन एंड सिल्वर एजेस इट इज वेरी वार्म। और द्वापर कलयुग के गर्मी के मौसम में ठंडक भी बहुत देती है, एंड इन द समर सीजन इन द फॉर्म ऑफ द कॉपर एंड आयरन एजेस इट गिव्स अ लॉट ऑफ कूलनेस एज वेल। लेकिन दुखदाई कौन सी युग में, बट इन विच एज डज इट गिव सोरो, सिर्फ संगम युग के बरसात के पीरियड में, ओनली इन द कॉन्फ्लुएंस एज द रेनी सीजन, क्योंकि उस समय कलयुग भी विराजता है, बिकॉज द आयरन एज इज ऑल्सो प्रेजेंट एट दैट टाइम। जब तक संगम का कलयुगी पीरियड है तब तक वो आत्माएं विश्व के लिए दुखदायी अनुभव में आती है। एज लॉन्ग एज देर इज द आयरन एज पीरियड ऑफ द कॉन्फ्लुएंस एज द वर्ल्ड फील्स दोज सोल्स टू बी गिवर्स ऑफ सोरो। परमात्मा की दृष्टि में नहीं, नॉट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सुप्रीम सोल, क्योंकि वो धर्मराज का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, बिकॉज दे आर द सोल्स हु प्ले द रोल ऑफ धर्मराज, महाकाल और महाकाली का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, दे आर द सोल्स हु प्ले द रोल ऑफ महाकाल एंड महाकाली। तो ज्ञानी आत्मा के लिए तो ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए, सो द नॉलेजेबल सोल्स शुड नॉट एक्सपीरियंस दिस, बाकी जो अज्ञानी है, एज फॉर द रेस्ट दोज हु आर इग्नोरेंट, ये घड़ी घड़ी संशय निश्चय के दोले में दोलते रहते हैं, और दोज हु कीप स्विंगिंग इन द स्विंग ऑफ डाउट एंड फेथ अगेन एंड अगेन, तो उनको जरूर दुखदायी अनुभव होंगे, दे विल सर्टनली फील दैट दोज सोल्स आर गिवर्स ऑफ सोरो। रावण अनुभव होंगे, दे विल फील दैट दे आर रावण। रावण कोई खास एक व्यक्ति का नाम नहीं होता, रावण इज नॉट द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन। रावयते लोकान, रावयते लोकान, जो लोगों को रुलाता है वही रावण कहा जाता है। द वन हु मेक्स पीपल क्राई हिमसेल्फ इज कॉल्ड रावण। अब कारण देखना, बाद की बात। नाउ
टू सी द रीजन फॉर इट इज अ मैटर टू कंसिडर लेटर. किस कारण रुलाया? फॉर वॉट रीजन डिड ही मेक देम क्राई? अच्छे कारण से रुलाया या बुरे कारण से रुलाया? डिड ही मेक देम क्राई विद अ गुड रीजन और विद अ बैड रीजन? रुलाया, रुलाने का कर्तव्य किया तो रावण हुआ. ही मेड देम क्राई, ही डिड द टास्क ऑफ मेकिंग देम क्राई, सो ही इज रावण. तो सुख देने वाले का भी जन्म स्थान वही है जो सुख देने वाले का जन्म स्थान है. सो द बर्थ प्लेस ऑफ द वन हु गिव्स सोरो इज द सेम एज दैट ऑफ द वन हु गिव्स हैप्पीनेस. परंतु समझते कुछ भी नहीं. बट दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. अगर समझे तो शिव शंकर को मिला के एक नहीं कर दे. इफ दे अंडरस्टैंड दिस दे वोंट कम्बाइन शिव विद शंकर एंड मेक देम वन. क्या? वॉट? भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया. ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन दे कम्बाइंड शिव विद शंकर एंड मेड देम वन. आदम और खुदा को मिला के एक कर दिया. दे कम्बाइंड आदम विद खुदा गॉड एंड मेड देम वन. लेकिन कहावत है कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं. बट देर इज अ सेइंग डोंट कॉल आदम गॉड, आदम इज नॉट गॉड. कहते भी है और आदम खुदा के नूर से जुदा नहीं. दे ऑल्सो से एंड आदम इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द रेडियंस ऑफ गॉड. लेकिन कब? बट वेन? जब खुदा उसमें प्रवेश होता है तब जुदा नहीं है. वेन खुदा एंटर्स हिम ही इज नॉट सेपरेट देन. बाकी कोई हर समय बैल पे सवारी थोड़ी ही होती है. हाउएवर ही डजंट राइड द बुल ऑल द टाइम. जब सवारी होगी तो जुदा नहीं है. वेन ही राइड्स ही इज नॉट सेपरेट. और सवारी नहीं होगी तो जुदा है. एंड वेन ही डजंट राइड ही इज सेपरेट. तो स्वभाव संस्कार में फिर फर्क पड़ेगा या नहीं? देयरफॉर विल देयर बी अ डिफरेंस इन द नेचर एंड संस्कार्स और नॉट. जब शिव बाप की प्रवेशता होगी तो स्वभाव संस्कार में फर्क जरूर पड़ेगा. When the father Shiv enters, there will certainly be a difference in the nature and sanskars. और जब प्रवेशता नहीं होगी तो भी फर्क जरूर पड़ेगा. And when he doesn't enter, there will certainly be a difference then too. अच्छा अच्छा तो अब हम संपर्क में किसके आए? So now, in whose contact should we come? हम संबंध में किसके आए? With whom should we have a relationship? शिव बाबा का तो पता ही नहीं लगता. We don't come to know about शिव बाबा at all. कि किस घड़ी प्रवेश होता है और किस घड़ी चला जाता है? When he enters and when he leaves. उसके जन्म का तो पता मालूम ही नहीं पड़ता. We certainly don't come to know about his birth at all. न आने का पता लगता है न जाने का. We neither come to know about his arrival nor his departure. हाँ, ज्ञान से पता चलता है. बट येस वी कम टू नो अबाउट इट थ्रू द नॉलेज ही गिव्स. लेकिन बाबा ने ये डायरेक्शन दिया हुआ है, तुम अच्छे ऐसा ही समझो कि शिव बाबा सदैव इसमें बैठा हुआ. बट बाबा हैज गिवन दिस डायरेक्शन, यू चिल्ड्रन जस्ट कंसिडर दैट शिव बाबा इज ऑलवेज सिटिंग इन हिम. मैं इनकी हर एक एक्टिविटी का जिम्मेवार हूँ. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्टिविटी ऑफ हिज. ये उल्टा करे या सुल्टा? Whether he does anything wrong or right. उल्टा भी करेगा तो भी मैं इसको सुल्टा बना दूंगा. Even if he does something wrong, I will make it right. तो आप ये तो धारणा करना बहुत मुश्किल है. So it is very difficult to assimilate this. लेकिन सहज को मुश्किल करने वाला बाप कहते हैं. But the father who makes the difficult into easy says कि जिनका मेरे से लव है तो लव में कोई भी चीज कोई भी काम मुश्किल नहीं होता. Those who love me, nothing, no task is difficult with love. प्यार एक ऐसी चीज है जो पत्थर को भी पिघलाए देती है. Love is something which melts even a stone. तो रावण को चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है. Therefore, changing Ravan is not a big thing. आखिर हमने पहचाना किसको? After all,
Whom have we recognized? ब्रह्मा विष्णु शंकर को पहचाना है या शिव बाप ज्योति बिंदु गॉड फादर को पहचाना है? Have we recognized Brahma, Vishnu and Shankar or have we recognized the father Shiv, the point of light, God the father? किसको पहचाना है? Whom have we recognized? चेंज होने वालों को पहचाना है या जो सदा अपरिवर्तनीय है सदा शिव है उसको पहचाना है? Have we recognized those who change or have we recognized the one who is always unchangeable, who is always beneficial? हमने कनेक्शन किससे जोड़ा है? कौन सी आत्मा से? With whom have we established a connection? With which soul? शिव से कनेक्शन जोड़ा है. Have we established a connection with Shiv? यह कलयुग के अंत में आकर के जो शिव सब बन जाते हैं. Or those who become dead bodies in the end of the Iron Age? सब माना मुर्दा. Dead body means a corpse. कब्र दाखिल हो जाते हैं. उनको पहचाना है? Who become कब्र दाखिल, buried in the grave, have we recognized them? अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट बजाने वाली जो साकार सृष्टि की आत्माएं हैं, उनको तो हम 63 जन्म अच्छी तरह से पहचानते रहे. अरे द सोल्स ऑफ द कॉर्पोरियल वर्ल्ड हु प्ले द रोल्स ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर, वी रिकॉग्नाइज्ड देम वेरी वेल थ्रू आउट द 63 बर्थ्स. उनको पहचानना तो क्या पहचानना हुआ? वॉट इज ग्रेट इफ वी रिकॉग्नाइज्ड देम. अब हमने किसको पहचाना है? हुम हैव वी रिकॉग्नाइज्ड नाउ? अब तमो प्रधान में आए हुए उस तत्व प्रधान परमात्मा को पहचाना है. Now we have recognized the Satopradhan Supreme Soul who has come in the Tamopradhan One. Param Pita ko pehchana hai, jo kabhi change hone wala nahi hai. We have recognized the Supreme Father who is never going to change. Uski atma kabhi upar aur niche nahi hoti. His soul never goes through high and low stages. Uska naam diya hua Achyutam. He has been given the name Achyutam. जो कभी ऊंची स्टेज से नीचे नहीं गिरता. मीनिंग द वन हु नेवर फॉल्स फ्रॉम द हाई स्टेज. कभी नीची स्टेज का पार्ट नहीं बजाता. ही नेवर प्लेज अ रोल इन द लो स्टेज. तो ये समझने की बात है. सो दिस इज समथिंग टू अंडरस्टैंड. सुख देने वाले का जन्म स्थान और दुख देने वाले का जन्म स्थान है तो भारत में ही. दैट द बर्थ प्लेस ऑफ द वन हु गिव्स हैप्पीनेस and the birthplace of the one who gives sorrow is in Bharat itself. समय भी एक है. The time also is the same. क्योंकि संगम युग में ही राम और रावण की पहचान होती है. It is because we recognize both Ram and Ravan in the confluence age itself. प्रत्यक्षता होती है. Their revelation takes place then. उससे पहले तो हम रावण को जानते ही नहीं. Before this, we did not know Ravan at all. समझते हैं कोई दस सिर का कोई व्यक्ति होगा. We thought he might be a person with 10 heads. दस सिर का तो कोई व्यक्ति होता ही नहीं. A 10-headed person doesn't exist at all. तो हुआ है ऊंचे से ऊंचे भगवान की जयंती जो भारत में आते हैं. So that is the birthday of the highest on high god who comes in Bharat. उनका नाम है शिव. His name is Shiv. Shiv arthat kalyanakari. Shiv means beneficial. Aur jahan kalyan hai wahan rone rulane ka prashna nahi ho sakta. And when there is benefit, the question of crying and making others cry cannot arise. Gyan mein chalne ke bavajood bhi jo aatma kisi bhi karan roti hai ya rulati hai. The souls who cry for any reason or make others cry despite following the knowledge, तो वो कल्याण का कार्य नहीं है. This is not a beneficial task. इसलिए बाबा कहते हैं मैं रोने वालों को पसंद नहीं करता. For this reason, Baba says, I don't like those who cry. क्योंकि शिव बाबा का नाम है शिव तो काम भी है शिव कल्याणकारी. It is because Shiv Baba's name is Shiv. Therefore, the actions are also Shiv, that is, beneficial. किसी भी बात में वो अकल्याणकारी नहीं है.
ही इज नॉट हार्मफुल इन एनी केस। हम भले अज्ञानता के कारण उसको अकल्याणकारी समझे, दो वी मे कंसिडर हिम टू बी हार्मफुल ड्यू टू इग्नोरेंस, लेकिन रिजल्ट में बाद में समझेंगे कि परमात्मा हर तरीके से, हर प्रकार से कल्याणकारी है। लेटर ऑन वी विल अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट दैट द सुप्रीम सोल इज बेनिफिशियल इन एवरी वे। ये किसको पता नहीं है कि वो बाप कैसे आकर के सुख देते। नो वन नोज हाउ दैट फादर कम्स एंड गिव्स हैप्पीनेस। ये तरीके का पता नहीं है कि परमात्मा का सुख देने का तरीका क्या है। दे डोंट नो अबाउट द मेथड, व्हाट द मेथड ऑफ द सुप्रीम सोल टू गिव हैप्पीनेस इज। दुख देने वालों के तरीके का पता लगा लो। लुक एट द मेथड्स ऑफ दोज हु गिव सोरो। दुखदाई कौन? हु इज द वन हु ब्रिंग्स सोरो? रावण। रावण कब से आता है? रावण। फ्रॉम व्हेन डज रावण कम? द्वापर युग से। फ्रॉम द कॉपर एज। द्वापर युग से रावण आता है। रावण कम्स फ्रॉम द कॉपर एज, द्वापर युग। तो नाम पड़ा द्वापर, माना दोपुर। सो इट वॉज गिवन द नेम द्वापुर विच मीन्स टू सिटीज। एकपुर नहीं, दोपुर। नॉट वन सिटी बट टू सिटीज। जैसे दो घर बन जाए। जस्ट लाइक वेन टू हाउसेज आर मेड। बाप के दो बच्चे हों और दोनों अलग अलग हो जाए बाप के सामने ही। अ फादर हैज टू सन्स एंड बोथ सेपरेट राइट इन फ्रंट ऑफ द फादर। तो बाप का नाम बदनाम हुआ या सरनाम हुआ? सो वॉज द नेम ऑफ द फादर डिफेम्ड और वॉज इट ग्लोरिफाइड? एकता खंडित हुई या बनी रही? वॉज द यूनिटी ब्रोकन और वॉज इट मेंटेन्ड? खून एक कहेंगे। विल इट बी सेड दैट द ब्लड इज वन? जरूर कहीं न कहीं कोई न कोई मिक्सरिटी है। सर्टनली देर इज सम मिक्सचर समवेयर। तो स्वभाव संस्कार टकराने लगे। सो द नेचर एंड संस्कार स्टार्टेड टू क्लैश। एक घर नहीं रहा। देर इज नॉट अ सिंगल हाउस एनी मोर। अब जब एक घर नहीं है, घर ही दो हो गए, तो टकराव तो जरूर होगा। नाउ व्हेन देर इजंट वन हाउस, व्हेन टू हाउसेस केम इन एग्जिस्टेंस, देर विल सर्टेनली बी अ क्लैश। क्योंकि दीवारें बन गई बीच में। इट इज बिकॉज वॉल्स वर बिल्ट बिटवीन देम। और जहाँ दीवारें बनती है वहाँ दिल टूटते हैं। एंड वेयर द वॉल्स आर बिल्ट द हार्ट्स ब्रेक। तो बाप आकर के कैसे सुख देते हैं ये भी नहीं जानते। सो दे डोंट इवन नो हाउ द फादर कम्स एंड गिव्स हैप्पीनेस। रावण कैसे दुख देते हैं ये भी नहीं जानते। हाउ रावण गिव्स सोरो, दे डोंट नो दिस ईदर। अभी तुमको नॉलेज है कि बाप कैसे आकर के सुख देते हैं। नाउ यू हैव द नॉलेज हाउ द फादर कम्स एंड गिव्स हैप्पीनेस। बाद में ये नॉलेज भी प्राय लोप हो जाएगी। एंड लेटर ऑन दिस नॉलेज विल बिकम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। सुख देने वाले की ही महिमा गाई जाती है। ओनली द वन हु गिव्स हैप्पीनेस इज प्रेज्ड। दुख देने वाले का किसको पता नहीं है। नो वन नोज अबाउट द वन हु गिव्स सोरो। जब पता ही नहीं पड़ता तो महिमा या ग्लानी करने की बात ही नहीं। When they don't come to know at all, there is no question of praising or defaming at all. रावण को वर्ष वर्ष जलाते। They burn रावण every year. क्यों? Why? हर वर्ष क्यों जलाते? एक बार जल गया तो खलास हो गया। Why do they burn him every year? When he is burnt once, he should be finished. फिर वर्ष वर्ष जलाने की क्या बात? Then what is the need to burn him every year? है? A student said something. मरता ही नहीं? He doesn't die at all. क्यों? जब जला दिया तो खाक हो गया। Why? When he was burnt, he turned to ashes. फिर वर्ष वर्ष क्यों जलेगा? Then why will he be burned every year? है? अरे कोई चीज एक बार जला दी जाती है, राख कर दी जाती है तो खलास हो जाती है। अरे if something is burnt once, if it is made into ashes, it is finished.
फिर बार बार जलाने की जरूरत पड़ती है। और इज देयर द नीड टू बर्न इट अगेन एंड अगेन? ये है संगम युग की बात। इट इज अबाउट द कॉन्फ्लुएंस एज। संगम युग में 63 जन्मों का जो देवहन भरा हुआ है वो एकदम कोई खलास नहीं होता। इन द कॉन्फ्लुएंस एज द बॉडी कॉन्शियसनेस ऑफ 63 बर्थ्स फिल्ड इन द सोल इजंट फिनिश्ड एट वंस। जो बीज रूप आत्माएं हैं, बीज बनते हैं, वो तो बहुत ही जटिल है। द सीड फॉर्म सोल्स, दोज हू बिकम सीड्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जड़ों के ऊपर भी छिलका होता है, बीजों के ऊपर भी छिलका होता है। द रूट्स हैव हस्क एज वेल एज द सीड्स हैव हस्क। जब बीज सुधर जाए तो सारी सृष्टि सुधर जाए। When the seeds improve, the entire world improves. उस सृष्टि रूपी रंगमंच पर या इस सृष्टि रूपी झाड़ पर कोई कोई पत्ते हैं। So, in this stage like world or on this tree like world, some are leaves. ढेर के ढेर। There are a lot of them. पत्तों का परिवर्तन तो जल्दी हो सकता है। The transformation of leaves can take place quickly. लेकिन बीजों का परिवर्तन जल्दी नहीं होता। But the transformation of the seeds doesn't take place quickly. क्योंकि बीज अगर सुधर जाए तो सारा वृक्ष सुधर जाए। It is because when the seed improves, the entire tree improves. तो ब्राह्मणों की संगमी हुई दुनिया में बीज रूप आत्माएं भी है जो पूरे 84 जन्म लेने वाली है। So, in the confluence age Brahmin world, there are the seed form souls who have the complete 84 births. आधार मूर्त आत्माएं भी है जो नंबर वार जन्म लेने वाली है। As well as there are root souls who have lesser births number wise. That is, they all have a different number of births. और फिर ढेर के ढेर 500 करोड़ पत्ते भी हैं। And there are also lots of leaves. 5 billion of them. ऊपर से आने वाले धर्म पिता हैं जो द्वैत फैलाते हैं। The religious fathers coming from above spread dualism. दो मार्ग चला देते हैं। They introduce two paths. पहले तो दुनिया में एक ही मार्ग था। In the beginning, there was only one path in the world. एक ही देवी देवता सनातन धर्म था। There was only one ancient deity religion. दूसरा कोई धर्म नहीं था, दूसरा कोई राजा नहीं था। There was no other religion. There was no other king. बाद में जब ये धर्म पिताए आते हैं तो इनके आने से दो दो मतें हो जाती। When these religious fathers come later on, two ways of thinking come into existence by their arrival. मतें बढ़ती चली जाती तो आपस में टकराव होता है। The diversity of opinions continues to increase. So they clash with each other. और टकराव होने से दुख शुरू होता है। And sorrow begins due to the clash. तो बाप जब आता है तो यही काम करता है पहले एकता का। So when the father comes, he performs this very task of uniting them first. और एकता पवित्रता के बगैर नहीं हो सकती। And there cannot be unity without purity. एक के प्रति जब तक दृष्टि वृत्ति कृति मन वचन कर्म समय संपर्क संबंध तन मन धन पूरा अर्पण नहीं है। Until the दृष्टि विजन द vibrations, द acts, द माइंड द words, एंड द actions, टाइम contacts, relationships, द बॉडी माइंड एंड वेल्थ आर completely surrendered टू द वन, तो वो एकता की पवित्रता नहीं आ सकती। द प्योरिटी ऑफ यूनिटी cannot कम। प्योरिटी के बगैर यूनिटी नहीं हो सकती। देर cannot बी यूनिटी विदाउट प्योरिटी। जब द्वैत पैदा होता है तो यूनिटी टूटती है। द यूनिटी ब्रेक्स when ड्यूअलिटी इज क्रिएटेड। संगठन भंग होता है दुनिया में और आपस में टकराव शुरू होता है। द गैदरिंग ब्रेक्स इन द वर्ल्ड एंड क्लैश विथ ईच अदर स्टार्ट्स। तो बाप आकर यही तरीका बताते हैं, सिखाते हैं कि अब एकता पैदा करो। सो द फादर कम्स एंड एक्सप्लेन्स दिस वेरी मेथड ही टीचेस नाउ क्रिएट यूनिटी। पवित्रता अपने जीवन में अपनाओ। अडॉप्ट प्यूरिटी इन योर लाइफ। एक बाप
दूसरा नहीं। वन फादर एंड नो वन एल्स। अगर एक बाप के प्रति 100% तन मन धन समय संपर्क संबंध सब अर्पण कर दिया जाए। इफ द बॉडी माइंड वेल्थ टाइम कॉन्टेक्ट्स रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग इज 100% सरेंडर टू द वन फादर, तो उसी समय से वो आत्मा सुखी हो जाएगी। दैट सोल विल बिकम हैप्पी फ्रॉम दैट वेरी टाइम। दुख लेस मात्र भी अनुभव नहीं कर सकती। इट कैनॉट एक्सपीरियंस सोरो इवन टू द स्लाइटेस्ट एक्सटेंट। गारंटी है। दिस इज अ गारंटी। लेकिन बाबा मुरलियों में प्रश्न पूछते रहते, हम गॉड फादर के बच्चे तो फिर हम दुखी क्यों? बट बाबा कीप्स आस्किंग क्वेश्चंस इन द मुरलीज, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड द फादर, देन वाई आर वी सोरोफुल? हम नरक में क्यों बैठे हैं? वाई आर वी सिटिंग इन हेल? अरब पति करोड़ पति का बच्चा हो और पैसे पैसे का मोहताज। इफ देर इज अ चाइल्ड ऑफ अ मल्टी मिलियनर ऑफ अ मिलियनर एंड ही इज नीडी फॉर अ सिंगल पेनी, ऐसा कैसे हो सकता? हाउ इज दिस पॉसिबल? जरूर उसका संबंध कनेक्शन बाप से टूटा हुआ। सर्टनली हिज रिलेशन हिज कनेक्शन विथ हिज फादर इज ब्रोकन। कनेक्शन कहीं दूसरों से जुड़ा हुआ। ही हैज अ कनेक्शन विथ अदर्स, जो उसको नीचे ले जाने वाले, पैसे पैसे के लिए मोहताज बनाने वाले। हु आर द वंस टू टेक हिम डाउन, हु मेक हिम नीडी फॉर एवरी पेनी? तो ऐसे ही परमात्मा बाप से जब तक हम आत्माओं का पूरा कनेक्शन नहीं जुटा तन से मन से धन से। इन द सेम वे अंटिल वी सोल्स हैव फॉर्म्ड अ फुल कनेक्शन विद द सुप्रीम सोल फादर थ्रू द बॉडी थ्रू द माइंड थ्रू द वेल्थ। ऐसे नहीं कि तन से कनेक्शन जुट गया तो मन से न जुड़े। इट इज नॉट दैट इफ द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड विद द बॉडी इट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड विद द माइंड। या कोई कहे कि हम तो मन बुद्धि तो हमारी परमात्मा में ही है, तन से वाला हम दूर है। और इफ समवन सेज अवर माइंड एंड इंटेलेक्ट इज डेफिनेटली विद द सुप्रीम सोल दो वी आर फार अवे फ्रॉम द बॉडी, नहीं नो, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन जरूर जाएगा। वेर एवर अवर बॉडी इज अवर माइंड विल डेफिनेटली गो देर, धन जरूर जाएगा। द वेल्थ विल सर्टेनली गो देर। ऐसे नहीं कि तन और धन दूसरी जगह लगाते रहे और मन कहीं दूसरी जगह लगा रहे। इट इज नॉट दैट वी कंटिन्यू टू इन्वेस्ट द बॉडी एंड द वेल्थ समवेयर एंड द माइंड रिमेन्स एंगेज्ड समवेयर एल्स, नहीं नो। और मन जब जहाँ पहुँच जाता है तो तन भी वही पहुँचेगा। एंड वेन एवर एंड वेर एवर द माइंड रीचेस द बॉडी ऑल्सो विल रीच देर। दोनों अरस परस है। बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड। क्योंकि मन की शक्ति तो बहुत तीव्र शक्ति है। इट इज बिकॉज द पावर ऑफ द माइंड इज अ वेरी इंटेंस पावर। मन की एकाग्रता अगर एक जगह एकाग्र हो जाए, इफ द माइंड बिकम्स फोकस्ड एट वन प्लेस, परमात्मा के प्रति अग्रसारित तो हो जाए, मुड़ जाए। इफ इट मूव्स फॉरवर्ड टूवर्ड्स द सुप्रीम सोल, इफ इट टर्न्स देर, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो तन को और उसके धन को रोक सके। देर इज नो पावर इन द वर्ल्ड विच कैन स्टॉप द बॉडी एंड इट्स वेल्थ फ्रॉम गोइंग देर। तो सुख कहाँ से आता है? सो वेयर डज हैप्पीनेस कम फ्रॉम? और दुख कब आता है? एंड वेन डज सोरो अराइज? द्वैत से आता है दुख। सोरो अराइजेस फ्रॉम ड्यूअलिटी। और अद्वैत से आता है सुख। एंड हैप्पीनेस अराइजेस फ्रॉम नॉन ड्यूअलिटी। एक में है सुख और अनेक में है दुख। देर इज हैप्पीनेस इन वन एंड देर इज सोरो इन मेनी। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से ऐसी भी कोई आत्माएं होंगी नंबर वन। अमंग 5 बिलियन ह्यूमन सोल्स देर विल ऑल्सो बी सच सोल्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज अकॉर्डिंग टू देयर पुरुषार्थ, जो अपने 84 जन्मों में एक के साथ ही संबंध जोड़ती होंगी। हु वुड बी फॉर्मिंग द रिलेशनशिप विथ ओनली वन इन देयर 84 बर्थ्स। कौन सा संबंध? विच रिलेशनशिप?
सब संबंधों में से खास संबंध कौन सा है जो मरते दम तक मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता? Among all the relationships, which is the special relationship that doesn't leave man until his last breath? सतयुग आदि से लेकर के कलयुग अंत तक वो संबंध खींचता रहता। Ever since the beginning of the golden age till the end of the iron age, that relationship keeps attracting. वो कौन सा संबंध? Which is that relationship? पिताकन। Student said something of the father. अगर पिता का ही संबंध मुख्य होता फिर तो सबको पुरुष का जन्म मिलना चाहिए। Had the relationship of the father been the main one, everyone should be born as a male. लक्ष्मी जब शरीर छोड़े तो उसे किसकी स्मृति आई? Whom will Lakshmi remember when she leaves the body? है? Student, Narayan. नारायण की स्मृति आएगी। She will remember only Narayan. तो पुरुष का जन्म मिलता है। So, she is born as a male. और नारायण शरीर छोड़ता है तो किसकी स्मृति में शरीर छोड़ता है? And when Narayan leaves the body, in whose remembrance does he leave the body? लक्ष्मी की स्मृति में तो काय का जन्म मिलेगा? In the remembrance of Lakshmi, then he will be born as what? स्त्री चोला मिलेगा। He will get a female body. अगर बाप की स्मृति में सब पुरुष या स्त्री शरीर छोड़ते रहे हो तो जन्म भी उनको काय का मिलना चाहिए। If all the men and women had been leaving the body only in the remembrance of the father, they should be born as what? पुरुष का जन्म मिलना चाहिए। They should be born as men. लेकिन ये सृष्टि होती है दो से। But this world is created by two. स्त्री पुरुष के संयोग से। By the union of a female and a male. अब वो संयोग श्रेष्ठाचारी हो, श्रेष्ठ इंद्रियों का हो या भ्रष्ट इंद्रियों का, नीची दुनिया का। Now, whether that union is elevated, whether it is through the elevated indriya or through the corrupt indriya of the low world, it is a different matter. Indriya, parts of the body used to perform actions and the sense organs. लेकिन संयोग से ही, उस योग से ही सृष्टि संचालित होती। But the world functions only through the union, only through the connection. तो दो का ही खेल है। So, it is a game of just the two. किसका? दो कौन? Whose? Which two? है? स्त्री और पुरुष। A woman and a man. बाण सतयुग त्रेता में ये बाण नहीं रहेगा स्त्री पुरुष का, लेकिन संबंध तो स्त्री पुरुष का है ना? Though there won't be this consciousness of being a woman or a man in the golden age and the silver age, there is the relationship of a woman and a man, isn't there? Devbhan nahi hoga. There won't be body consciousness. Lekin santan aakhir mukh ke pyar se to hogi na? Still, the child will be born with the love of the mouth, won't it? Shesh indriyon ke connection se hogi na? It will be born with the connection of the elevated indriya, won't it? तो क्या श्रेष्ठ इंद्रियां आंख या मुख ये देह का अंग नहीं है? So, aren't the elevated indriya like the eyes and the mouth parts of the body? अंग तो है लेकिन श्रेष्ठ इंद्रिया। They are indeed parts of the body, but they are elevated indriya. इसमें मूत्र बलि की होने की बात नहीं है। There is no question of being dirtied by urine in this. और जो श्रेष्ठता है वो स्थायी ज्यादा होती है। And the elevated nature of the beings is more stable. तो देवताओं का सुख होता है स्थायी। So, the happiness of the deities is stable. और द्वापर युग से मनुष्यों का सुख होता है क्षणभंगुर। And the happiness of the humans from the copper age is transitory. क्योंकि नीची स्टेज का सुख है। Because it is the happiness of a low stage. जितनी सच्चाई होगी उतना ज्यादा स्थिरियम होगा। The more there is truthfulness, the more stable it will be.
और जितना झूठापन होगा, नीचपना होगा, उतना ही स्थिरता नहीं ले सकती। एंड द मोर देर इज फॉल्सहुड, द मोर देर इज लोलीनेस, स्टेबिलिटी कैनॉट रिमेन टू दैट एक्सटेंट। गिरेगा जरूर, ही विल सर्टनली फॉल। तो पाप समझाते हैं कि हर आत्मा का पार्ट अलग अलग। सो द फादर एक्सप्लेन्स दैट एवरी सोल हैज अ डिफरेंट रोल। कोई में तो अद्वैत की वासना बहुत भरी हुई है, सम आर फिल्ड मोर विद द डिजायर ऑफ नॉन ड्यूएलिटी, और कोई में द्वैत की वासना बहुत भरी हुई है। एंड सम आर फिल्ड मोर विद द डिजायर ऑफ ड्यूएलिटी। तो जिन आत्माओं में द्वैत की वासना बहुत भरी हुई है, सो द सोल्स दैट आर फिल्ड मोर विद द डिजायर ऑफ ड्यूएलिटी, 63 जन्मों के अनेक जन्मों के संस्कार हैं अनेकों के साथ व्यभिचारी बन करके रहने के। दोज हु हैव द संस्कार्स ऑफ 63 बर्थ्स, ऑफ मेनी बर्थ्स, ऑफ प्रैक्टिसिंग अडल्ट्री एंड लिविंग विद मेनी, वो आत्मा दुख का लेन देन जरूर करेंगी, परमात्मा कितना भी ज्ञान सुनाए। दोज सोल्स विल सर्टनली टेक एंड गिव सोरो, इट डजंट मैटर हाउ मच द सुप्रीम सोल नरेट्स नॉलेज, लेकिन उनके ऊपर जल्दी असर पड़ने वाला नहीं। स्टिल दे विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड क्विकली, इसलिए बाप को भारत में आना पड़ता है। फॉर दिस रीजन द फादर हैज टू कम इन भारत। भारत ही एक ऐसा खंड है जहाँ पवित्रता को विशेष मान दिया गया, आदि से लेकर के अंत तक। भारत अलोन इज सच अ लैंड वेयर प्यूरिटी इज गिवन स्पेशल इम्पोर्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। अभी भी भारत में कन्याओं माताओं के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है उनकी प्योरिटी का। इवन नाउ इन भारत स्पेशल केयर इज टेकन ऑफ द प्यूरिटी ऑफ द वर्जिन्स एंड मदर्स। विदेशों में और दूसरे धर्मों में ये बात नहीं है। दिस इज नॉट द केस इन द कंट्रीज अब्रॉड एंड इन द अदर रिलीजन्स। वहाँ डाइवोर्स की प्रथा, तलाक की प्रथा धर्म में नहीं हुई। द ट्रेडिशन ऑफ डिवोर्स इज फिक्स्ड इन दोज रिलीजन्स। भारत में ये बात अच्छी नहीं मानी जाती। इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड इन भारत। एंड ऑफ साइड ए।